मोहतरम सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا بفراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والحمد لله رب العالمين। हज़रात गिरामी वक़ार, आइए हम और आप सबसे पहले आकाए नामदार महबूब परवरदिगार दोनों आलम के मालिक मुख्तार शफीना शफी रोज़ शुमार आमिना के लाल खुदा के महबूब दानाए गयूब हजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदीना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिका वसलम सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अजीज़ान मिल्लत गिरामी, आज बहुत ही मुबारक दिन है। एक तो इसलिए आज जुमातुल मुबारका है और दूसरी बात ये कि आज सुल्तानुल हिंद सरकार ख्वाजा ख्वाजगा शहनशाह हिंदुस्तान हज़रत सैदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदियल्लाहु ताला अन्हु अर्दा वन्ना का उर्से पाक है, उनकी छठी शरीफ है। हज़रत गिरामी वक़ार, मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया, परवरदिगार आलम जल्ला मजदुहुल करीम कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका बहुत ही सीधा सादा तर्जमा यह है, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम है, उनको किसी किस्म का कोई डर नहीं है, वो बिल्कुल निडर है। अजीजान मिल्लत गिरामी, अल्लाह के वलियों को खौफ और गम क्यों नहीं हुआ करता है, उनको डर क्यों नहीं होता है किसी से? वो सिर्फ डरता है तो सिर्फ अपने रब से डरता है। और ये कानून है, जब कोई किसी पावरफुल इंसान का दोस्त होता है तो उससे कमजोर वाले से उसको डर नहीं लगता। दुनिया का यह दस्तूर है, अगर किसी एक इंसान की दोस्ती किसी पुलिस वाले से हो जाती है तो वो फिर अपने गांव वालों से नहीं डरता, पूरा गांव उससे डरता है कि यह पुलिस वाले का दोस्त है। सिटी मजिस्ट्रेट से दोस्ती है तो उसके नीचे पुलिस वाले भी उससे डरते हैं, यह मेरे अफसर का दोस्त है। अगर कोई किसी की दोस्ती बच्चों के उस्ताद से हो जाती है तो बच्चे भी डरा करते हैं, ये मेरे उस्ताद का दोस्त है। उस्ताद से तो डरता ही है लेकिन उससे भी डरता है कि ये मेरे उस्ताद का दोस्त है, जरा सी बात में शिकायत कर देगा।
तो ये एक दुनिया का कायदा है कि अगर किसी ताकतवर इंसान से दोस्ती हो जाती है तो उससे कमजोर जो होता है उससे डरा करता है कि हमसे ऊपर वाले से शिकायत कर सकता है, उसको हमेशा उससे डर लगा करता है। तो ये दुनिया का जब दस्तूर है कि कोई शख्स किसी पावरफुल इंसान से दोस्ती कर ले तो लोग उससे डरे, तो मुझे बताओ प्यारे कि जो शख्स अल्लाह का दोस्त होगा, जो शख्स अल्लाह का दोस्त होगा वो कैसे औरों से डरेगा? उसके जमाना उससे डरेगा, जमाना उसके पास जाके जी हुजूरी करेगा, लेकिन वो किसी के सामने जो है जाकर के जी हुजूरी नहीं करेगा। वो करेगा तो सिर्फ अपने रब की करेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वली के माना दोस्त के होते हैं। तो जब जो शख्स अल्लाह का दोस्त होगा वो किसी से और कैसे डर सकता है? अजीजान मिल्लत गिराबी, यूं तो अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार और लातादाद औलिया किराम हैं, मुकर्रब बंदे हैं, लेकिन आज की तारीख एक ऐसे ही वली की है जो बेखौफो खतर जो संजर की वादी से चलते चलते हिंदुस्तान की धरती अजमेर शरीफ पे पहुंचा तो भी बेखौफो खतर है। उसे किसी किस्म का कोई डर नहीं है, वो किसी से डर नहीं रहा है, चाहे वो रास्ते में जंगल का सफर किया हो, चाहे जंगली जो है पथरीली वादियों का सफर करते हुए गुजरा हो, चाहे जिस वादी से गुजरा, लेकिन उसको डर नहीं है, वो निडर होकर के हिंदुस्तान में आता है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तारीख पे मैं बहुत ही तेजी के साथ रोशनी डालते हुए आपके जहन को ताजा करने की कोशिश करूंगा। सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, आपका नाम मुईनुद्दीन है, आप संजर की वादी में रहने वाले हैं, आपके इलाके का नाम संजर है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आप एक बहुत बड़ा, आपके वालिदे गिरामी बहुत बड़े जमींदार थे, आपकी जो है बहुत बड़ी बाग, बहुत बड़ा बाग था, आप उसमें रहा करते थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज की उम्र शरीफ तकरीबन 6 या 7 बरस की थी, तो आपके वालिदे गिरामी का विसाल पुरमलाल हो जाता है, आपके सर से पिदर बाप का साया उठ जाता है, आप जो है यतीम हो जाते हैं। अजीजाने मिल्लत गिरामी, घर की सारी जिम्मेदारियां सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला उनके कांधे पे आ जाता है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, बाप की भी जिम्मेदारी है, घर की भी जिम्मेदारी है, सबको जो है पूरा कर रहे हैं। एक दिन सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला उनकी किस्मत औज पर थी। अजीजाने मिल्लत गिरामी, आपके बाग में एक बुजुर्ग का दाखला होता है, एक बुजुर्ग आते हैं जिनका नाम हजरत सैयदना इब्राहिम कंदोजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो आते हैं, आने के बाद कहते हैं बेटा मैं अंगूर खाना चाहता हूँ। सरकार गरीब नवाज का अंगूर का बहुत बड़ा बाग था, आप उसमें बैठते हैं, कहते हैं बेटा मैं अंगूर खाना चाहता हूँ, मुझे अंगूर खाना है। सरकार गरीब नवाज एक गुच्छा तोड़ते हैं, लाकर के उनकी खिदमत में पेश कर देते हैं, लीजिए हजरत अंगूर खाइए। हजरत सैयदना इब्राहिम कद्दोजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंगूर का कुछ खाते हैं, थोड़ा सा खाने के बाद फिर अपने तोशादान में से थोड़ा सा सूखी हुई रोटियां या कुछ निकाल करके देते हैं, लो बेटा तुम इसको खा लो। अजीजाने मिल्लत गिरामी, हजरत सैयदना इब्राहिम कद्दोजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सरकार गरीब नवाज को अता किया, और जैसे ही गरीब नवाज ने उसको खाया दिल की दुनिया बदल जाती है, दिल की कैफियत बदल जाती है, सोचो फिक्र की जो है कैफियत बदल जाती है, फौरन एक अजीब सा आलम हो जाता है। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है अपने बाग को बेच देते हैं, बेच देने के बाद सारे पैसों को जो है गरीबों मिस्कीनों में तकसीम कर देते हैं, तकसीम कर देने के बाद इल्मे दीन हासिल करते हैं, फिर उसके बाद मदीना तय्यबा जो है हाजिरी के लिए जाते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो है रोज़े के पे जा करके अपने सर को रखे हुए हैं और अपने रब की बारगाह में फरियाद कर रहे हैं, गिरिया जारी कर रहे हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतने में आँख लग जाती है, आँख का लगना था कि किस्मत जो है मेराज क्या कर रही थी, सरकार आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज्यारत होती है, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आँख लगती है, आँख जैसे ही बंद होती है किस्मत का सितारा बुलंद होता है, हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आते हैं, बेटा मुईनुद्दीन तुम हिंदुस्तान के लिए जाओ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सरकार गरीब नवाज को हिंदुस्तान का बादशाह बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। अजीजाने मिल्लत गिरामी फरमाते जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान का बादशाह मुंतखब किया जाता है, तुम वहां पर जाओ। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं हिंदुस्तान में तो काफिर बहुत हैं, वहां के कुफार बहुत सख्त हैं, वहां नहीं कहीं और भी मुंतकिल मुझे कर दिया
दिया जाए। आका फरमाते हैं नहीं नहीं, तुम्हें हिंदुस्तान के लिए चुना गया है। अजीजान मिल्लते गिरामी, अब ये सुनने के बाद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये अज़्म कर लेते हैं, ये फैसला कर लेते हैं कि मुझे अब हिंदुस्तान में जाना है। अजीजान मिल्लते गिरामी, कुछ साथियों को लेकर के, अपने चंद लोगों को लेकर के आप जो है हिंदुस्तान का सफर शुरू करते हैं, हिंदुस्तान आने के लिए जो है रवाना हो जाते हैं। आते आते रास्ते में एक जगह हारवन पड़ती है। हारवन की सरजमीन पर जब गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुंचते हैं, हारवन में एक बहुत बड़े अल्लाह के वली सरकार सैयदना ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अजीजान मिल्लते गिरामी, वहां पे जब पहुंचते हैं तो लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखते हैं, लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, आखिर माजरा क्या है, ये तो अफरा तफरी क्यों मची हुई है, लोग कहाँ भाग रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने जब पूछा तो लोगों ने बताया, ये जगह जो है हारवन है, ये हारवन की जगह है, यहाँ पे एक बहुत बड़े शेख अल्लाह के वली रहा करते हैं, जिनका नाम जो है अल्लाह के वली रहा करते हैं, उन्हीं के पास लोग जा रहे हैं। लोग उनके पास जाते हैं, अपनी परेशानियां उनके सामने रखते हैं, लोग वो उनकी लोगों की मदद कर दिया करते हैं, लोगों की परेशानियां को दूर कर दिया करते हैं। अजीजान मिल्लते गिरामी, अजीजान मिल्लते गिरामी, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो सोचते हैं कि जब मैं इसी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ पर अल्लाह के इतने बड़े मकबूल बंदे हैं, तो जा करके उनसे मुलाकात करके आगे बढ़ूँ। अजीजान मिल्लते गिरामी, सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसे ही उनके खानकाह में पहुँचते हैं, तो आलम देखिए मुसलमानों, वली वली मीशनाशद वली वली को पहचाना करता है। अजीजान मिल्लत सलामी हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी अपनी जगह अपने मसनद से खड़े हो जाते हैं और इस्तकबाल करते हैं, आओ मोइनुद्दीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आओ मोइनुद्दीन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सरकार गरीब नवाज सोच में पड़ जाते हैं, एक अजीब सी कैफियत में गुम हो जाते हैं कि यह जगह मुझे मालूम नहीं थी, यह अनजान सी जगह है, यहां के लोगों से मैंने जगह के बारे में पूछा, अभी तक यह बुजुर्ग का नाम तो मैं ना जान सका, लेकिन यह मेरा नाम कैसे जानते हैं। अजीजान सलामिया, फिर उसके बाद वो अपने पास बुला करके मस्जिद के पास बिठाते हैं, बैठे कि मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, मैं तुम्हारे इंतजार में यहां कयाम कर किया हुआ था। अब सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक तारीख में आता है कि 20 या 22 साल तक उनकी खिदमत करते रहे। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनसे मुरीद हो जाते हैं, उनकी खिदमत में रुक जाते हैं। तकरीबन 20 या 22 साल खिदमत करने के बाद देखिए क्या मकाम मिलता है मुसलमानों, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। मैंने एक हदीस शरीफ का टुकड़ा पढ़ा है, आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इत्तकु बिफरासतिल मोमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की निगाहें बातिनी से बचो, छुपी हुई निगाह से बचो, क्यों, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करता है। अब देखो अल्लाह वाले कैसे आंखें बंद करके देखा करते हैं, अल्लाह के नूर से देखते कैसे, इस जलवे को मुलाहिज़ा कीजिएगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है जब 20 या 22 साल की खिदमत करने के बाद जब आपको मर्तबा मिलता है, सरकार गरीब नवाज को आपके शेख सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी तलब करते हैं, आप जो है उनके खिदमत में हाजिर होते हैं, या शेख मैं हाजिर हूं। सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, ऐ बेटा मोइनुद्दीन, आओ मेरे पास, आओ मेरे करीब आओ। सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के करीब जाते हैं, सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ बेटा मोइनुद्दीन, 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करो। देखिए कुरान हम भी पढ़ते हैं, कुरान आप भी पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ने वालों की जबान में फर्क होता है, कुरान वही है लेकिन देखिए कैसा मकाम है। 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करो, सरकार गरीब नवाज बा अदब खड़े होकर के 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत फरमाते हैं। सरकार गरीब नवाज जब तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, कहते हैं, या शेख मैंने 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर ली है। अजीजान मिल्लते सलामिया, तो आपके शेख फरमाते हैं, बेटा आंखें बंद करो, नीचे देखो क्या देखते हो। अजीब माजरा है कि हमें और आपको देखना होता है तो आंखें खोल करके देखते हैं, अगर आंख लगी है सो रहे हैं, कोई आवाज देता है तो आंख खोल के देखते हैं, आखिर कौन आया है, अगर नहीं दूर की चीज है तो चश्मा लगा करके भी लोग देखा करते हैं, लेकिन ये अल्लाह वालों की शान है कि आंखें बंद करके देखा करते हैं, सुभान अल्लाह। हजरत सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी फरमाते हैं, बेटा 1000 मरतबा तिलावत करने के बाद फरमाते हैं कि बेटा अब आंखें बंद करके नीचे देखो क्या देखते हो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैंने आंखें बंद करके देखा तो फरमाते हैं, या शेख मैं जमीन के अंदर की सारी चीजों को देख रहा हूँ, चाहे तो सरा मेरी निगाहों के सामने है, जमीन के आखिरी हिस्से को देख रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर फरमाते हैं, बेटा आंखें खोलो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज आंखें खोलते हैं, फरमाते बेटा 1000 मरतबा और कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत करो।
1000 मरतबा और कुलवल्ला शरीफ की तलावत गरीबी नवाज फरमाते हैं। फिर उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने तलावत कर लिया शेख, तो फरमाते हैं शेख फरमाते हैं कि बेटा अब आंखें बंद करके आसमान की तरफ ऊपर देखो, क्या देखते हो? अब सरकार गरीबी नवाज अल्लाह तआला आंखें बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं। हम और आप देखते हैं आसमान की तरफ, तो कहीं बादल नजर आता है, कहीं पे चांद सूरज सितारे नजर आते हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज का देखना क्या देखना है? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं या शेख मेरी निगाहों के सामने आसमान के आखिरी हिस्से लौहे महफूज को मैं देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, लौहे महफूज मेरी निगाहों के सामने है, उस पर मैं देख रहा हूँ, जो कुछ हो चुका है वो भी देख रहा हूँ, जो होने वाला है जिसकी किस्मत क्या है मैं सब कुछ देख रहा हूँ। लौहे महफूज पे सारी सबकी तकदीर और सबकी किस्मतें लिखी हुई है, उसको मुलाहिदा फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उस शेख का उर्से पाक, उस शेख की छठी शरीफ है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, फिर सरकार ख्वाजा उस्मान हरवनी फरमाते हैं बेटा 1000 मरतबा और कुल हुवल्लाह शरीफ की तलावत करो। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 1000 मरतबा और कुल हुवल्लाह शरीफ की तलावत फरमाते हैं। अब सरकार गरीब नवाज को हुक्म होता है कि ए बेटा अब आंखें बंद करके अपने दो उंगलियों के दरमियान में देखो, क्या देखते हो? अजीजाने मिल्लत गिरामी, सरकार गरीब नवाज जब दो उंगलियों के दरमियान में देखते हैं आंखें बंद करके, तो फरमाते हैं शेख पूरी कायनात का नक्शा मेरी निगाहों के सामने है, मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे कोई हथेली पे राई का दाना देखा करता हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये कोई जरूरी नहीं है मुसलमानों कि उनका चाहने वाला उनकी मजार पे जाएगा तभी वो फायदा पहुंचेगा, उनकी मजार पे जाएगा तभी वो देखेंगे। उनको अल्लाह ने वो कुदरत और वो ताकत दी है कि वो कहीं पे रह करके कहीं से पुकारने वालों को देख लिया करते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वो मुकर्रब बंदे हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी निगाहें बातिनी से बचो, वो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखा करते हैं। हमें और आपको देखना हो तो हम आपके पूरे जिस्म के ढांचे को देखेंगे, पूरे आज़ा को देखेंगे, लेकिन वो अल्लाह के ऐसे वली हैं कि दिलों के ख्याल को भी जान लिया करते हैं कि हम दिल में क्या ख्याल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। आज उस बुजुर्ग उस शख्सियत की छठी शरीफ है मुसलमानों। अब फिर उसके बाद जब हिंदुस्तान में आते हैं, देखिए बेखौफ खतर किस तरह से हुआ करते हैं। सरकार गरीब नवाज की करामतें बहुत मशहूर हैं, बहुत सारी करामतें हैं, किताबें लिखते लिखते लोग थक गए और आज तक करामतें जाहिर होती चली जा रही हैं। दीवानों का मेला लगा हुआ होता है सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर, जो है मंगतों की मुरादें पूरी होती है उनके आस्थाने पर। सुनो सुन, सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला अन्हु जब हिंदुस्तान में आए मुसलमानों, उस वक्त हिंदुस्तान के कुफार बहुत सख्त थे और मजहब इस्लाम के दुश्मन तो हर वक्त हर दौर में रहा कर रहे हैं, लेकिन सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला अन्हु क्या शान आपकी है। अल्लाह तबारक व तआला की फरमान और पैगाम को लेकर के हिंदुस्तान की धरती जब अजमेर शरीफ में पहुंचे हैं मुसलमानों, जब आप अजमेर शरीफ की धरती पर पहुंच करके क़याम किए हैं, लोगों को इस्लाम की तबलीग करना शुरू किए हैं, जब लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू किए हैं, तो अजीज़ा ने मिल्लत धीरे धीरे जब इस्लाम में लोग दाखिला लेने लगे, तो जो है जब राजा के लोगों को पता चला कि वहां पे जाकर के जो है दरवेश आया हुआ बैठा हुआ है, यह करामत बहुत मशहूर है, लेकिन जब मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह वालों की जबान में कितनी ताकत हुआ करती है, अल्लाह वाले जो कह दिया करते हैं अल्लाह उनकी बातों को पूरी कर दिया करता है। अजीजान मिल्लत गिरामी, यह करामतें आप बहुत सुने होंगे कि सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला उन्होंने ऊंटों को बिठा दिया था, लेकिन मैं आपके जहन को सिर्फ ताजा करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला सागर के पास में एक सायादार दरख्त के पास बैठ जाते हैं, बैठ करके अपने मुरीदों के साथ में बैठे हैं, कयाम किए हुए हैं, लोगों को तबलीग कर रहे हैं, तब तक के जो है राजा के लोग आ गए और आने के बाद जो है कहते हैं यहां से आप हट जाइए, यहां पे राजा के ऊंट बैठते हैं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, सरकार गरीब नवाज कहते हैं हम तो मुसाफिर हैं, यहाँ पे पानी की सहूलत है और सायादार दरख्त है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बैठ गए हैं, हम मुसाफिर हैं, किसी के घर जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वरना तो हमें किसी की गरज नहीं थी कि हम यहाँ पे बैठते। अजीजाने मिल्लत गिरामी, उन लोगों ने जबरदस्ती करके लोगों को हटा दिया और सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला उनकी जबान से निकला हुआ जुमला वो असर देखिए मुसलमानों। सरकार गरीब नवाज कहते हैं और कहीं अपने ऊँटों को बिठा लेना, लेकिन वो नहीं मानते, नहीं आप हट जाइए, ऊंट यहीं बैठते हैं। सरकार गरीब नवाज कहते हैं जाओ, ऊंट बैठते हैं तो ऊंट ही बैठे रहेंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, इतना जुमला निकलना था, फिर सरकार गरीब नवाज अपनी जो है रास्ते पे चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अब फिर राजा के ऊंट आते हैं, बैठते हैं, फिर दूसरे दिन जब वो लोग ऊंट उठाने के लिए आते हैं, ऊंटों को कितना ही मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, ऊंट नहीं टस से मस नहीं हो रहा, उठ नहीं रहा है। दौड़े भागे सब राजा के पास पहुंचे और कहने लगे गजब हो गया, जाते
जाते जाते दरवेश ने जो है दुआ दे दिया था, जाते जाते दरवेश की जबान से जुमला निकल गया था कि ऊंट बैठे रहेंगे, अब हमारे ऊंट उठ नहीं रहे हैं। राजा को समझ में आ जाता है ये कोई मामूली चीज नहीं है, फौरन कहता है जाओ जाकर उनसे माफी मांगो, और उनके उनसे माफी मांगो, अल्लाह वाले माफ कर दिया करते हैं, अगर वो सच्चे दरवेश है तो वो माफ कर देंगे। अजीजाने मिल्लत गिरामी, अब वो लोग दौड़ते भागते जाकर के सरकार गरीब नवाज को ढूंढना शुरू करते हैं। गरीब नवाज एक तरफ अपने सफर पे जा रहे थे, रास्ते में थे, जाकर के आगे से लोगों ने घेर लिया और जाकर कदमों में गिर के रोने लगे। अल्लाह वाले सब कुछ बर्दाश्त कर लिया करते हैं लेकिन आंखों में आंसू डबडबाते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अजीजाने मिल्लत गिरामी, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला उनके पास जाकर के कहते हैं बाबा हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, हमारे ऊँट नहीं उठ रहे हैं, अगर ऊँट नहीं उठेंगे तो राजा बहुत जालिम है, वो हम सबको कत्ल कर देगा। सरकार गरीब नवाज ने उनकी आंखों में आंसू देखा, माफ़ कर दिया, जाओ तुम्हारे ऊँट उठ जाएंगे। अजीजा ने मिलते गिरा भी, सरकार गरीब नवाज की इस तरह से बेशुमार करामतें हैं, लेकिन जब जो है जब ऐसे ही तबलीग करते करते एक वक्त वो भी आता है कि सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला उनके दरवेशों के साथ में जो भी कुछ खाना पानी था वो सब खत्म हो जाता है। जब मजहब इस्लाम में लोग दाखिला लेने लगे तो जैसे करबला के दूसरे मंजर जो है गरीब नवाज के सामने पेश आता है। करबला में जो है नहर फरात पे पानी को बंद किया गया था, हिंदुस्तान में जो है ना सागर पे पानी बंद कर दिया गया था। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जब मजहब इस्लाम में लोग दाखिला ले रहे थे, लोग मुसलमान हो रहे थे, राजा को पता चला तो राजा ने कहा कि उस दरवेश को जो है पानी ना लेने दिया जाए, अना सागर में पहरा लगा दिया जाए। अजीजाने मिल्लत गिरामी, यहां पे सरकार की बहुत बड़ी करामत हुई है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जो है पास पानी नहीं बचता है तो एक जो है अब्दुल्ला नामी शख्स है जो पहले दूसरे मजहब यानी काफिर थे, फिर बाद में मुसलमान हुए, कलमा पढ़ करके हल्का इस्लाम में दाखला लिया, तो हजरत सरकार गरीब नवाज ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा। अजीजा ने मिलते गिरामी, उन्होंने कहा कि हजरत पानी खत्म हो गया है, सरकार ने फरमाया जाओ पानी लेकर के आओ। वो जाते हैं पानी लेने के लिए तो पहरेदारों ने रोक दिया, कहा कि ए जो है साधु देव, पहले उनका नाम जो है जब इस्लाम नहीं लाए थे तो साधु देव उनका नाम था, उन लोगों ने उनको जो है ताना मारा, जो कहा कि ए साधु देव तुम्हें हम पानी नहीं लेने देंगे। उसने कहा मुझे साधु देव ना कहा जाए, अब मैं अब्दुल्ला हूं, मजहब इस्लाम का पैरोकार हूं, मैं गरीब नवाज का चाहने वाला हूं, उनका मुरीद हूं। अजीजा ने मिलते गिरामी, उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं तुम्हें पानी नहीं लेने दिया जाएगा, राजा का बहुत जो है सख्ती से हुक्म है कि तुम्हें पानी ना लेने दिया जाए। अजीजा ने मिलते गिरामी, वो जब थोड़ी सी हुज्जतबाजी हो गई, उनकी उंगली में चोट आ गई थी और वो खाली प्याला लेकर के गरीब नवाज के जो है पास रख देते हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं क्या हुआ, पानी मिला का नहीं मिला, क्या क्या हुआ का पानी नहीं लेने दिया, का किसने नहीं लेने दिया, पहरेदारों ने नहीं लेने दिया। आंख में आंसू डबडबा रहे थे उनके और जो है वो रो रहे थे, जब तक के सरकार गरीब नवाज की जो है नजर उनकी उंगली पे पड़ जाती है जिसमें चोट लगी थी। सरकार गरीब नवाज कहते हैं अब्दुल्ला तुम्हारी उंगली पे चोट कैसी है, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कोशिश किया कि पानी ले लूं लेकिन उन लोगों ने पानी न लेने दिया, हाथापाई हो गई सरकार, मेरी उंगली में चोट आ गई है। सरकार गरीब नवाज को जलाल आता है, जब अल्लाह वाला जलाल में आता है तो किस तरह से तख्ता पलट कर रख दिया करता है, देखिए मुसलमान हो। सरकार गरीब नवाज को जलाल आता है, कहते हैं अब्दुल्ला जाओ पानी लेकर के आओ, उन लोगों ने कहा कि यार गरीब नवाज हम कैसे पानी ले सके, बहुत सख्त पहरा, कहा कि आप किसी से कहने की जरूरत नहीं है, जाकर के आना सागर से कह दो आना सागर तुझे राजा ने बुलाया है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, वो छोटा सा कासा, वो छोटा सा प्याला और कितनी वसी जगह में जो है आना सागर है। अजीजाने मिल्लत गिरामी, आज एतराज करने वाला एतराज करता है कि हमारे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के गुनाहगारों को अपने दामन में कैसे छुपाएंगे, कितना बड़ा आका का दामन है, लोग ताना देते हैं हमको कि हमारे आका का दामन कितना बड़ा है कि पूरे कायनात के गुनाहगारों को कैसे अपने दामन में छुपाएंगे, देखो कैसे कैसे बुसत होती है। सरकार गरीब नवाज ने इसका जवाब दे दिया, इतना बड़ा अना सागर है, एक छोटा सा प्याला है, अब्दुल्ला लेकर के जाते हैं अना सागर, चल तुझे खाजा ने बुलाया है। अना सागर का पूरा पानी उमट करके उस छोटे से कासे में समा गया और गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हो गया। जब से सरकार के गुलामों के गुलामों का ये गुलाम का ये हाल है कि इतने बड़े अना सागर को एक छोटे से कासे में जो है पिरो सकता है, समा सकता है, तो हमारे आका मुख्तार कायनात है, वो सारे कायनात के गुनाहगारों को क्यों नहीं अपनी रहमत में समेट सकते हैं। सुभान अल्लाह, ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अजीजा ने मिल्लते गिरामी, अब जो है सरकार गरीब नवाज को जलाल आया तो उस राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत भी खतरे में आ गई, उसका भी तख्ता पलटने वाला है। सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला हिंदुस्तान के सरजमीन में सैर कर रहे हैं और मुसलमानों को सताया भी जा रहा है, तरह तरह से अजियतें दी जा रही हैं, परेशान भी किया जा रहा है। सरकार गरीब नवाज अल्लाह तआला एक जो है एक लश्कर के जो है सरबराह कमांडर के ख्वाब में तशरीफ
تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت صحاب الدین گوری جن کا نام ہے عزیزان ملت گرامی، بہت بڑے کمانڈر، بہت بڑے پہلوان کا نام، بہت بڑے جنگجو کا نام صحاب الدین گوری ہے، جنہوں نے ہندوستان پہ حکومت کی ہے۔ عزیزان ملت گرامی، وہ ہندوستان سے دو مرتبہ جو ہے جنگ کر چکے تھے اور ہار گئے تھے، دو مرتبہ بہت زبردست شکست ہوئی تھی، اس لیے کہ ادھر کافروں کی تعداد بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ان کے پاس جو ہے سامان بہت زیادہ، لڑنے کے لیے اسلحے بہت زیادہ تھے، اور مسلمان وہ کمزور حالت میں تھے، لیکن آتے تھے تو شکست ہو جائے۔ دو مرتبہ بہت بری طریقے سے شکست ہوئی۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ جب شکست ہوئی تو 20 یا 22 دن کا عرصہ گزرا تھا، کچھ ہی دن کا عرصہ گزرا تھا، ان کے ساتھیوں کے ابھی زخم بھی صحیح نہیں ہوئے تھے، لوگ ابھی لڑنے کی حالت میں بھی نہیں آئے تھے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہاب الدین غوری کے خواب میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں، شہاب الدین پرتھوی راج چوہان راجہ پروت پتھورا کو گرفتار کرو، اس کو قید کرو، اس کو گرفتار کرو۔ عزیزان ملت گرامی، وہ بیدار ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، آخر یہ آواز کس کی تھی، یہ میرے سامنے یہ بزرگ کون تھے جو ہمیں کہہ رہے تھے پرتھوی راج چوہان کو گرفتار کرو، ابھی تو ہم لوگ آئے ہیں جو ہے کہ جنگ کر کے، ابھی بہت زبردست شکست ہم لوگوں کی ہوئی، بہت زبردست ہار ہوئی ہے، ابھی ہمارے لشکر کے حالات ایسے نہیں ہے کہ ہم جا کر کے ان سے جنگ کر سکے۔ لیکن عزیزان ملت گرامی، شہاب الدین گوری اٹھتے ہیں، بیدار ہو کر کے اپنے لشکر کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنگ کی تیاری کرو، مجھے چلنا ہے۔ وہ لوگوں نے پوچھا کہاں جنگ کرنا ہے، کہا ہندوستان پہ چڑھائی کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا، ارے آپ جو ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے نا، ابھی تو ہم لوگ بہت کم، کچھ ہی عرصہ گزرا ہے، ہم ابھی ہمارے جو قافلے والوں کے زخم بھی صحیح نہیں ہوئے ہیں، زخم بھی بھرے نہیں ہیں، جن کو تیر بھالے برچیوں کی جو زخم لگے ہیں وہ صحیح نہیں ہوئے ہیں، اب ایسے حالات میں پھر ہم کیسے جنگ کر سکتے ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، اتنا کہنا تھا کہ وہ کہتے ہیں، نہیں نہیں اب چلو تیاری کرو، تیاری ہوتی ہے، ہندوستان کے سرزمین پہ آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اجمیر شریف تراوڑی کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت، ادھر لاکھوں کی تعداد میں فوج ہے، ادھر 12,000 کی جنگجو ہے۔ عزیزان ملت گرامی، اس میں سے سپہ سالار جو 12,000 کا جو سپہ سالار تھا، اس نے کہا کہ سنو سنو، اب تک ہم لوگوں نے اپنی طاقت کے بھروسے پہ جنگ کیا ہے، لیکن سنو اب ہمیں کس طرح سے جنگ کرنا ہے۔ عزیزان ملت گرامی، انہوں نے کہا کہ پہلے سب آپ سب اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، سب نے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کیا، کہا کہ ہاتھوں میں تلوار چلنا چاہیے، زبان پہ درود مصطفیٰ ہونا چاہیے، اور اللہ اکبر کہہ کے میدان میں کود پڑے، اور ادھر لاکھوں کی تعداد میں کم و بیش 3 لاکھ سے زائد جو ادھر کافر تھے، سب کو جو ہے مار کر کے، ظہر کے بعد شروع ہوئی لڑائی، عصر کا وقت نہیں لگا کہ سب ہار کر کے بھاگ گئے، پرتھوی راج چوہان گرفتار ہو گیا۔ عزیزان ملت گرامی، اب جب جنگ جو ہے اس کو گرفتار کر کے جب وہاں سے واپس ہو رہے تھے، مغرب کا وقت ہے، پہاڑیوں کی سفر سے، پہاڑیوں کی طرف سے شہاب الدین گوری کا گزر ہو رہا ہے، تب تک اذان کی آواز آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے۔ شہاب الدین گوری نے کہا کہ ارے کوئی ہمارے قافلے کا کچھ لوگ ادھر تو نہیں چلے گئے، یہ آواز اس کافروں کے ملک میں، یہ اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہم ہی چند جتنے مسلمان ہم ہی ہیں، یہاں پہ دوسرا کون آیا ہے، کہیں ہمارے قافلے کے کچھ لوگ دوسری طرف تو نہیں چلے گئے ہیں۔ ان کے قافلے کا ایک دستہ جاتا ہے دیکھنے کے لیے، تو وہ آ کر کے کہتا ہے نہیں نہیں ہمارے قافلے کا کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ایک درویش ہے، اس کے چار چند غلام ہے، وہ اذان دے کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو صاحب الدین گوری نے کہا چلو جب وہ درویش ہے تو ان کے پیچھے ہم بھی اپنی نماز ادا کر لیں۔ صاحب الدین گوری نے مغرب کی نماز سرکار غریب نواز کے پیچھے پڑھی، اور پھر غریب نواز نے جب سلام پھیرا، اور اس کے بعد دعا ہوئی، دعا کے بعد جب صاحب الدین گوری نے دیکھا تو اس کو ان کو وہی چہرہ یاد آیا کہ جو خواجہ غریب نواز نے ان کو خواب میں جا کر کے بشارت دی تھی، اور وہ پکار کے کہنے لگے یہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں آ کر کے مجھے جو ہے صاحب الدین گوری پرتھوی راج چوہان کے تعلق سے کہا تھا کہ اس کو گرفتار کرو، اس کو گرفتار کرو۔ وہ آگے قدموں میں گر جاتے ہیں، سرکار ہم نے اس کو گرفتار کر لیا، آپ کی مدد ہوئی، آپ کی نصرت ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لہذا اللہ والوں کو جب جلال آتا ہے مسلمانوں تو تختہ پر جایا کرتا ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہت بڑی شان ہے، وہ ہندوستان کے راجہ ہے، غریب نواز ان کا نام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غریب ہیں، وہ ہمارے غریب نواز ہیں، ہمیں تو اپنی قسمت میں ناز کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس تو وہ ہے کہ ہم غریبوں کے لیے غریب نواز ہے، کسی امیر کے پاس کوئی امیر نواز نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ شان سرکار غریب نواز کی ہے کہ آپ کے پیروں سے جو جوتی لگ جائے تو اس کو آگ جلا نہ سکے۔ عزیزان ملت گرامی، آپ جو ہے دین کی تبلیغ، مذہب اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، حقیقت میں مبلغ دیکھو جن لوگوں کو کہا جاتا ہے، آج ہر کوئی داڑھی ٹوپی کرتا جبا صاف پہن کر کے اپنے آپ کو مبلغ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مبلغ ہونا آسان ہے؟ مبلغ ہونا آسان نہیں ہے مسلمانوں، مبلغ حقیقت میں مبلغ یہ لوگ ہیں، داعی اسلام یہ لوگ ہیں۔ عزیزان ملت گرامی، سرکار غریب نواز تبلیغ کر رہے ہیں، لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے، ہندوستان میں بت پرستی عام تھی، لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، سرکار غریب نواز نے کہا تم یہ کس کی پوجا کر رہے ہو، یہ شرک کر رہے ہو، وہاں پہ جا کر کے جو ہے اتمام حجت کیا، لوگوں کو بتایا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور حقیقت میں جو ہے عبادت کس کی کرنا چاہیے،
उन लोगों ने बात को नहीं माना। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि ये आग की पूजा कर रहे हो जो तुम्हें कल भरोसे कयामत जला देगी, अरे हम जो इस आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है। उन लोगों ने बहुत सारी बातें की। सरकार गरीब नवाज जब जलाल में आते हैं तो फरमाते हैं इस आग के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मेरी जूती को जला सके। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया इतना कहना था कि वो लोग भी सोच में पड़ गए, बोले कि अगर आपकी जूती को आग ना जला सकेगी तो हम सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएंगे। इतना कहना था। सरकार गरीब नवाज की जो है दरगाह रहमत जोश में आता है और कहते हैं कि जाओ लेकर के उंगली जो है जूतियों को अपने खड़ावन को जो है आग में डाल देते हैं। डालने के बाद कुछ देर के बाद जो है गरीब नवाज ने अपने खादिम को हक में दे, जाओ उस मेरी जूती को निकाल करके लाओ। अब वो आग में उनका गुलाम उनका खादिम जाता है आग में से जूती को निकाल करके लाता है तो जैसे डाला था वैसे ही है और गुलाम भी आग में कूद करके जाके निकाल रहा है, वो भी सही और सलामत आग रहा है। जब ये एक जूती एक बेजान जो है जूती की ये आलम है कि सरकार गरीब नवाज की हो जाए, सरकार गरीब नवाज की जो जूती हो जाए उसको आग ना जला सके, तो अगर हम सरकार गरीब नवाज के हो जाएंगे तो जहन्नम की आग हमें कैसे जलाएगी। अजीजाने मिल्लत इस्लाम के लिहाजा दिल से शहीदा हो जाओ गरीब नवाज के, दिल से मानने वाले हो जाओ गरीब नवाज के। 809 सालाना उर्से पाक है सरकार गरीब नवाज का। सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे एक जमाने से लोग आते जाते रहते हैं आपके जमाने, और खाली जो है चाहने वाले मुसलमान ही नहीं है, हिंदू भी जाता है, सिख भी जाता है, पंजाबी भी जाता है, काफिर सब लोग जाते हैं, सब जो है सबकी मुरादें पूरी हो रही है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया वो ऐसे दाता है कि सबकी मुरादों को पूरी किया करते हैं। जो जाता है अगर बे औलाद है सरकार की बारगाह में गया, सरकार हमें औलाद अता हो जाए, सरकार ने उसका औलाद अता कर दिया। सरकार हमारी बेटी की शादी है कोई इंतजाम नहीं हो रहा है, सरकार ने उसका इंतजाम भी फरमा दिया। इस तरह से बेशुमार करामतें हैं सरकार की। अजीजाने मिल्लत गिरामी लोग जाते हैं अपनी खाली दामनों को लेकर के, और खाली हमारे तुम्हारे जैसे गरीब उनके आस्थाने पे नहीं जाते हैं बल्कि अपने अपने वक्त के राजाओं ने जाकर के उनके दरबार में मन्नत मानी है तो मन्नतें पूरी हुई है। उनके जाकर दरबार में जाकर के जब फातिहा पढ़ा और जो है अपनी दुआएं उनसे मांगी उनसे तलब किया तो लोगों सरकार गरीब नवाज ने उनको अता किया है। लेकिन आज ये 809 सालाना उर्से पाक है, 800 साल पहले के बुजुर्ग सरकार गरीब नवाज है, लेकिन आज हिंदुस्तान में तकरीबन 200 साल पहले के जो है कुछ जो ऐसे हरामखोर पैदा हुए हैं जो सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने को शिर्क बताते हैं, जिनको आप अपनी जबान में तोंडिया कहते हैं, हमारी जबान में वहाबी और देवबंदी कहा जाता है। इन हरामखोर ये 200-250 साल पहले के ये पैदावार जमात ये आज सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर जाने वालों पे उंगलियां उठाती है। उनके दरबार में जाने वाले लोग बहुत पुराने पुराने एक जमाने से लोग जाते हैं, कहां कहां से लोग आते हैं, और 800 साल से उनका उर्स हो रहा है और आज ये 200 साल पहले पैदा होकर के हरामखोर मर्दूद कहता है कि उनके दरबार पर जाना शिर्क है। जो जाने वालों को कहता है कब्र पूजा है, जाने वाले को उल्टी सीधी बकवास करता है, लोगों को गालियां देता है, ये लोग हराम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं, बिदात कर रहे हैं, अरे तेरे बाप दादा ने भी जाकर के वहां पे जो है अपने आप को जो है उनके सब सुपुर्द किया है और उनसे मन्नतें मांगी है, दुआएं की है, तब जाकर के हिंदुस्तान में मज़हब इस्लाम का जो है फसल लहरा रहा है, तब जाकर के तुम्हें खाना और दाना पानी मिल रहा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया। और आज सोशल मीडिया पे बहुत सारे बकवास करने वाले कहते हैं हिंदुस्तान से निकाल देंगे, अरे उस वक्त जब गरीब नवाज तन्हा आए थे तो किसी की हिम्मत ना हुई निकाल देगा, आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान आबाद है, कहां कहां से मुसलमान को निकालोगे। अजीजाने मिल्लत गिरामी बताने का मकसद ये है कि सरकार गरीब नवाज के सच्चे आशिक हो जाओ, सच्चे मानने वाले हो जाओ तो तुम्हारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। अरे जरूरी नहीं है कि उनके आस्थाने पे जा करके तुम जो है हजारों रुपए खर्च करके उनके आस्थाने पे जाओ, अगर अल्लाह ने तौफीक दिया उन्होंने बुलाया तो जरूर जाना होगा, और ये जरूरी नहीं कि उनके दरबार में जा करके ही तुम उनसे मन्नत मांगोगे पूरी होगी। अरे अपने घर में महफिल का इंतजाम कर लो, सरकार को याद कर लो, उनके नाम से फातिहा रचा लो और उनकी अपनी मन्नतें अपनी मुरादें उनसे मांग लो। वो सरकार गरीब नवाज है, उनके गरीब नवाजी का हक उनको अदा करना ही पड़ेगा, वो राजा है, हम प्रजा है, हमारा ख्याल वो रखना पड़ेगा उनको। अजीजाने मिल्लत गिरामी लिहाजा उनकी याद मनाएं, उनकी बातों उनकी पैगाम उनकी बातें वो बहुत ही बड़े जो है हिंदुस्तान के मुश्किल कुशा कह लीजिए, वो वली मुश्किल कुशा इब्ने मुश्किल कुशा है। अजीजाने मिल्लत इस्लामी आपकी सारी परेशानियां दूर करेंगे। अजीजाने मिल्लत गिरामी बताया जाता है कि उनके दरबार की वो सिफत है कि वहां पर बैठ करके जो दुआएं मांगो वो कबूल हो जाया करती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर दिल में अपने जो है सरकार गरीब नवाज को बसा लो तो तुम्हारा दिल भी पार हो जाएगा, उनके सच्चे उनके हो जाओ, यहां भी बेड़ा पार हो जाएगा, वहां भी बेड़ा पार हो जाएगा। अजीजाने मिल्लत गिरामी अर्ज यह है कि आज जो है छठी शरीफ की तारीख है सरकार गरीब नवाज की, तो आप अपने अपने घरों में इंतजाम कीजिए, फातह दिलाइए, उनकी याद मनाइए। और आज शाम में भी गालिबन हमारे इलाके के बुजुर्गों और जवानों ने मिलकर के इस मदरसे में भी इंतजाम किया है, सब हजरात तशरीफ लाइए, उसमें भी शिरकत कीजिए, उसमें दुआ खानी होगी ना तो मरकबत बच्चे पढ़ेंगे और आप बाद में दुआ सलातो सलाम दुआ खानी होगी, अपने अपनी मुरादे लेकर के हाजिर हो जाइए, इंशाअल्लाह सरकार गरीब नवाज उसको जरूर जरूर पूरा करेंगे। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, आप सब को गवाह बना करके मैं
एक बात कह दूं कि अगर बोलने में मुझसे लफ्जन साहबर माना कसर किसी तरह कोई गलती खामी कोताही हो या सरकार की कोई गुस्ताखी हो गई है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप सबको दुआ आप सबको गवाह बना के मैं तौबा करता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी वा तुबिल अल्लाह पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह।